नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश एजुटेक में। यूपी स्कॉलरशिप नए सत्र के कह सकते हैं पहला वीडियो है मेरा 2024-25 के। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने में, जिनको छात्रवृत्ति की ज़रूरत है, उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं बात करने वाला हूँ। क्या गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है और किन बातों का विशेष ख्याल रखना है, वो तमाम सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले एक बार आप चेक कर लो कि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फौरन कर दो, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो फिर देरी किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलर जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है छात्रों की। तो छात्र क्या करें, क्या उनको करना है, तो शिक्षण संस्थान में जमा करने के लिए आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपें, शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त करें। किसी दूसरे आवेदन पत्र में उपयोग किए गए मोबाइल नंबर का पुनः प्रयोग करके छात्र फाइनल प्रिंट जो होगा वो मान्य नहीं होगा, यानी कि प्रयास करें कि मोबाइल नंबर भी चेंज हो। साथ ही अपने व्यक्तिगत विवरण, अभिलेख तथा आधार नंबर, हाई स्कूल अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या, इन तमाम सारी चीज़ों का किसी के साथ शेयर न करें, साझा न करें। अगर आप फेल हो चुके हैं तो आप फॉर्म ही न भरें, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ये तमाम सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट हैं। साथ ही शिक्षण संस्थानों में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिंट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जाएगा, इसलिए फाइनल प्रिंट निकाल के ही चीज़ों को जमा करें और वही उन्हीं तमाम सारी चीज़ों पे करना है। यहाँ पे देखिए क्या करें, तो यहाँ पे इनको करना क्या है छात्रों को, कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने प्रमाण पत्र, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, साथ ही पाठ्यक्रम का जो अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क धनराशि है, वो तमाम सारी चीज़ों का जो डाटा है, अभिलेख है, वो होना ज़रूरी है। ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को, जिनका प्रवेश निःशुल्क है, तथा उन छात्रों की फीसिप कार्ड पोर्टल से जनरेट कर संस्था में अपना फीस रसीद अवश्य प्राप्त करें, उसी की तर्ज पे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही हाई स्कूल में आपका जो भी नाम है, तमाम सारी चीज़ें आधार से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका नाम या फिर आपके फादर का नाम, मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर, कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, तमाम सारी चीज़ें मैच करती रहनी चाहिए। साथ ही आपका जो बैंक है वो NPCI लिंक होना चाहिए, यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम एक्टिव होना चाहिए, जिसके तहत अगर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश UP स्कॉलरशिप की धनराशि आपके खाते में भेजे तो बिना किसी इशू, बिना किसी एरर के आपके खाते में सकुशल पहुंच जाए वो धनराशि। साथ ही यहां पे आपको बता दूं कि छात्रों को अपना खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खोल सकते हैं, क्योंकि उक्त बैंक में खाता खोलते ही स्वतः आधार सीड हो जाता है, यानी कि जो पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा उत्तर प्रदेश में है उसमें भी अगर आपका खाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है वो खाता डायरेक्टली आधार लिंक हो जाता है। तो ऐसे छात्रों में केस में उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, बाकायदा आप शांति दिमाग से इसको ज़रूर पढ़िएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मगर उससे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये तमाम सारी चीज़ें हो गई यूपी स्कॉलरशिप की बातें। यहाँ भी आपको बता दूं कि नवीनकरण के, यानी कि जो भी फ्रेश के हैं, समझ गए, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि समझ छात्राएं ध्यान दें कि अब आप लोग जब छात्रवृत्ति फॉर्म का नवीनकरण करेंगे तो NPCI सत्यापन के पश्चात फॉर्म ऑटो लॉक होकर स्वतः कॉलेज लॉगिन पर उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। और ऐसे में आपको हड़बड़ाना नहीं है, कॉलेज की लॉगिन पे जाके अपना अंक, नामांकन संख्या, वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि कॉलेज लॉगिन से भरा जाएगा और ये जाके आपको जमा कर देना है। और कॉलेज में आप बात देखें, रेगुलर आपको टच में रहना होगा, कॉलेज के कांटेक्ट में रहना होगा, खासकर रिन्यूअल और फ्रेश के जो बच्चे हैं उनके लिए ये तमाम सारे मैसेजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो बातें मैंने बताई वो तो ज़रूरी हैं ही, साथ ही इस बात की भी दो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि आधार आपका जो है वो बैंक से लिंक होना चाहिए, साथ ही आपका अटेंडेंस 75% होना चाहिए, वो भी
आधार बेस्ड जो अटेंडेंस सिस्टम नहीं है वो आपका 75% हर हाल में होना चाहिए। दूसरी बात कि आपके परसेंटेज तो 60 बिलो होने ही नहीं चाहिए, इससे बिलो हैं तो फिर स्कॉलरशिप इस सत्र के लिए आप भूल जाइए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने इस साल एडमिशन लिया है और एडमिशन लिया है किसी प्राइवेट कॉलेज में, कह सकते हैं कि आपने बिना किसी काउंसलिंग के एडमिशन लिया है, डायरेक्ट एडमिशन जिसको कहते हैं, तो ऐसे केस में आपको इस सत्र में स्कॉलरशिप का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बात एकदम क्लियर कट है, समझ गए? तो यही तमाम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से हिट करना जिससे कि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।